क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 12 के क्लियरली ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 12 अगेन से 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 3। 15 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं, ये नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलते हैं, 3 3 पे डिवाइड हो जाएगा, अगेन से ये 5 पे डिवाइड होगा। 21 के भी फैक्टर्स बनाते हैं, ये आपके पास 3 पे डिवाइड होगा, अगेन से 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो मेरे पास जो 12 के फैक्टर्स बने हैं, 2 × 2 × 3 × 1, नेक्स्ट इन्हें पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, और पावर्स की फॉर्म में लिखते हुए हम इन्हें प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी लिखेंगे। इसने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसे, × 3, 1 प्राइम नहीं होता, प्राइम इसलिए 1 को नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। 15 के भी सिमिलरली लिखेंगे, 3 × 5 × 1। यदि आपके पास कोई पावर में है तो पावर में लिख देंगे, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा तो सिंपली ऐसे ही लिखेंगे, 1 को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 21 के फैक्टर्स हैं, 3 × 7 × 1, 3 × 7। एलसीएम निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होगा आपके पास यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखिए आपके पास 2 की पावर 2 है और किसी में नहीं है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा इनटू में। उसके बाद देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 और ये भी है 3 की पावर 1। तो हाईएस्ट भी आपके पास 3 की पावर 1 ही बना, तो 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 3 ये आ चुका है, इसके बाद इस पे चलते हैं, 5 × ये 3 जा चुका है पहले, इसके बाद 7। तो ये आपके पास एलसीएम होगा, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 420। इसके बाद एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यहां से देख लेते हैं कि इनके अंदर से 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो आपके पास वो नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको जो तीनों में हो। क्लियरली यहाँ तीनों में आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है 3 और एक है आपके पास 1, तो आपके पास 3 × 1, तो आपके पास ये बनेगा एचसीएफ 3। इसके अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 23 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, 29 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 17 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, पहले मैं इसे 17 × 1, फिर नेक्स्ट साइड हम से प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ओनली 17 आए। 23 को 23 × 1, 23, 29 को 29 × 1 इज इक्वल टू 29। देखिए मैं ये 1 वाला क्यों लिख रहा हूँ केस, हम यहां से निकालेंगे एचसीएफ, और जब हम पावर्स में लिख लेते हैं इसको तो यहां से निकालते हैं हम एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम होगा, देखते हैं, 17 × 23 × 29। इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास एलसीएम आएगा ये। अब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ में यहां से क्यों निकाल रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन बन रहा है, इसमें से तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो इसलिए मैं हमेशा ये 1 साथ में लिखता हूँ। उसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखी है बाद में कि प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, 1 को लीव करके। यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं और इस वाले पेयर से हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ से देखिए तीनों में 1 कॉमन है, तो इसका आपके पास एचसीएफ हो जाएगा 1। नोट, क्या मेरे पास 3 नंबर्स के केस में भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू रहेगा हमेशा ए इंटू बी इंटू सी?
तो इसका आंसर होगा नॉट। ऊपर वाला जो केस है फर्स्ट में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हो, ये वैल्यू ट्रू नहीं होती, लेकिन टू के केस में हमेशा ट्रू रहती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।